नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेंड करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के पेड़ को फुल पेड़ को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड़ को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8600906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं 7868। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, तबले के लखनऊ घराने के जो सूत्रपात्र थे वो कौन थे? मोदू और बख्शूस खान। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तबले के जो बनारस घराने की सूत्रपात्र थे उनका नाम था पंडित राम सहाय। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख बनारस घराने के सितार वादक पूछ रहे हैं? ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खान ये सितार वादक है और पंडित रविशंकर भी सितार वादक हैं। उसके बाद किशन महाराज और गुदई महाराज है। ये दोनों हैं तो बनारस घराने के ही, लेकिन ये दोनों तबला वादक हैं, तबला। ठीक है, तो ये इसका आंसर 1 और 2 यानी ए आंसर हो जाएगा। मैच करिए, देखिए बिस्मिल्ला खान है जो वो शहनाई वादक हैं, कुदव सिंह है जो पखावस वादक हैं, और दुर्गादास सहाय है जो वो तबला वादक हो गए आपके, और राज भाव सिंह है जो ये आपके सितार वादक हैं। ठीक, आंसर इसका ए, ए बी सी और डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ठुमरी गायिका? ठुमरी गायिका सिद्धेश्वरी देवी है, बागेश्वरी देवी है और कृष्णा देवी, तीनों ही ठुमरी गायिकाएं हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, देखिए कौन सी सही है। आल्हा आपका ये बुंदेलखंड में होता है ना, आल्हा उदल बड़े फेमस है वो महोबा वाले एरिया से। ठीक है, और उसके बाद बिरहा पूर्वांचल का है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कजरी है जो ये आपका मिर्जापुर बनारस वाले क्षेत्र से है, ये भी सही है। और फाग है जो वो अवध में गाया जाता है, ये सारी ही जोड़ियां आपस में बिल्कुल सही हैं, आंसर डी होगा, ऑल द अबव। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला है जो प्रयागराज में 6 वर्ष में लगता है हर, तो ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि वो जो महाकुंभ है वो 12 साल में है। ठीक है, उसका नाम महाकुंभ है, ये कुंभ मेले की बात हो रही है और ये 6 साल में लगता है। ठीक है, और देखिए प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है थोड़ा, प्रतिवर्ष लिखा हुआ है। वैसे माघ मेला हर साल ही लगता है, लेकिन 2 साल हैं ऐसे जिसमें जब महाकुंभ लगा हुआ है उस साल को छोड़ करके और कुंभ वर्ष को छोड़ करके। ठीक है, इन 2 वर्षों को छोड़ करके बाकी हर साल माघ मेला लगता है, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए ककोरा मेला है जो ये आपका बदायूं में है, सही है। दूसरा आपका रामनगरिया मेला है जो ये फर्रुखाबाद में, ये भी सही है। सरधना मेला है जो ये आपका सरधना मेरठ में है, मेरठ। ठीक है, सरधना मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। तो यहाँ पर चर्च भी है एक बड़ा फेमस है सरधना में। ठीक है, वो भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुलह कुल महोत्सव है जो और राम बरात महोत्सव है, ये आपका लखनऊ में मनाया जाता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये दोनों ही आपके कहाँ पर? आगरा में मनाए जाते हैं। ठीक है, सुलह कुल और राम बरात। उसके बाद देखिए ताज महोत्सव है जिसमें मुगल संस्कृति व भारतीय कलाओं का प्रदर्शन होता है, ये आगरा में मनाया जाता है, ये ताज महोत्सव आगरा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें पूछा था, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, देखिए कौन सी सही है। चिता भस्मी होलिकोत्सव मणिकर्णिका घाट काशी में, बिल्कुल सही है। ठीक है, होरंगा व होलिकोत्सव दाऊजी मथुरा में, ये भी बिल्कुल सही है। और आपका अखिल भारतीय व्यास समारोह है जो ये लखनऊ में, ये गलत हो गया क्योंकि ये होता है बनारस में। ठीक है, अखिल भारतीय व्यास समारोह, तो पहला दूसरा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कब कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है? 19 से 25 नवंबर, 19 से 25 सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर, तो ये मनाया जाता है आपका 19 से 25 नवंबर। ठीक है, आंसर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए भारत की पहली बोलती फिल्म, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? बीपी
मिश्र। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पहली बोलती फिल्म का नाम है आलमारा, आलमारा। तो उसके निर्देशक थे बीपी मिश्रा, ये अब सही हुआ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत। अब उत्तर प्रदेश का जो चलचित्र निगम है उसकी स्थापना 1975 में हुई है, याद कर लीजिए, सही स्टेटमेंट है। सत्य वाला इसमें पूछा था, तो दूसरा ओनली टू आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 4 दूरदर्शन केंद्र हैं, तो ये स्टेटमेंट है जो वो आपका गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 दूरदर्शन केंद्र हैं ना कि 4। और उत्तर प्रदेश में टीवी सेवा की शुरुआत 1975 में हुई थी, तो ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। तो आंसर हो जाएगा ओनली टू, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रथम तथा नई फिल्म नीतियां 1999, 2001 और 2018 में आई, बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश की कुल 20 आकाशवाणी केंद्र हैं टोटल यहाँ पर, तो ये फिर से गलत हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में टोटल 13 आकाशवाणी केंद्र हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है ये वाला बताना था, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? अवधी हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई और बुंदेली हो गई। तो देखिए, पूर्वी की ये तीनों हैं, ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक, तो आंसर इसका 1, 2 एंड 3, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से खड़ी बोली क्षेत्र कौन सा है? मेरठ खड़ी बोली का है ना, बिजनौर भी खड़ी बोली का है, रामपुर भी खड़ी बोली का, ये अलीगढ़ है जो इसको ब्रज वाले कैटेगरी में रखा गया है ना, ब्रज भाषा, क्योंकि ये मथुरा से टचिंग है तो यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है अलीगढ़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 इसका आंसर होगा, सी आंसर। अगला देखिए, निम्न में से जैन लोगों द्वारा मनाए जाने वाले कौन से पर्व या फिर त्योहार हैं? तो चौमासी, चौदस ये है, त्रयोदशी भी है, पार्श्वनाथ जयंती भी है, झूलेलाल जयंती है, जो ये आपका हिंदुओं वाला है, हिंदुओं। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएंगे जैन जैन धर्म के, तो आंसर इज 1, 2 एंड 3, ए आंसर है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बघेली का विकास है जो वो अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है, बिल्कुल सही कथन है। और आपका जो बघेली का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, रीवा, ठीक है, वहां पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई, तो ये सही है। और माननीय काशीराम पर्यटन संस्थान, ये आपका नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये चिनहट लखनऊ, ठीक है, चिनहट, चिनहट लखनऊ में। ठीक है, तो आंसर इसका ओनली 1। 19th क्वेश्चन देखिए, पर्यटन पुलिस की नियुक्ति निम्नलिखित में से किन जगहों पर की गई? टूरिज्म पुलिस के लिए, ठीक है, आगरा में, लखनऊ में, प्रयागराज में, झांसी में, मथुरा में और बनारस में, इन सभी जगहों पर पर्यटन पुलिस की नियुक्ति की गई, आंसर डी। उत्तर प्रदेश में संत सलामत शाह की मजार है जो ये किस जगह पर है? बदोसराय, देवा, बांसा, नैमिषारण्य। तो देखिए, ये मजार है आपकी बदोसराय, ये पड़ता है आपका बाराबंकी में, बाराबंकी, आंसर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई, तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। और भारत की जो कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का भाग कितना है? 5%। ये गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश का 3% भाग है बस। ठीक है, सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर इसका ओनली 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में खनिज बहुल क्षेत्र के रूप में 12 जिलों को चिन्हित किया गया है, सही है। और मेन सेंटर्स कौन से हैं उनमें से? मिर्जापुर हो गया, ललितपुर हो गया, सोनभद्र हो गया, है ना, ये सब मेन सेंटर्स हैं जहां पर खनिज वगैरह अच्छे मिलते हैं, खनिज बहुल क्षेत्र हैं। और सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन जगहों पर डायस्पोरा है ना, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है इस पर? हमीरपुर में, ललितपुर में, झांसी में या महोबा में? तो ये है जो डायस्पोरा, इन सभी जगहों पर मिलता है, आंसर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2019 में जारी की गई वन रिपोर्ट है जो वो 16वीं वन रिपोर्ट है, 16वीं है, बिल्कुल सही है ना। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है?
लखीमपुर खीरी, तो ये गलत हो गया क्योंकि सबसे जो क्षेत्रफल जिसका सबसे ज्यादा है वनों में वो है आपका सोनभद्र, ठीक है। और लखीमपुर खीरी से जो रिलेटेड फैक्ट है वो है अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला, ठीक है, अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला ये है लखीमपुर खीरी। और तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली वन ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए वन राज्य में जो वन आच्छादन है वो कितना है, वो है 6.14%, और जो वृक्षादन है वो कितना है, वो है 3.04%। देखिए पहले भी ये वाला डेटा पूछा जा चुका है, ठीक है, ये दोनों ही डेटा आप एग्जैक्ट याद कर लीजिए, ठीक है, टोटल कर लीजिए इनका, 9.18 आ जाएगा, ठीक है, तो वो टोटल हो जाएगा वृक्षावरण और वनावरण का, है ना, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो आंसर इसका हो जाएगा बोथ सी। देखिए उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कौन सा है, बेलहत्थी ग्राम, बसोमा ग्राम, मंगुस ग्राम या फिर अदालगंज ग्राम। तो ये देखिए बेलहत्थी ग्राम है जो, ये है पहला वन ग्राम, और ये किस जिले में है, सोनभद्र में, सोनभद्र, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, देखिए कत्था है जो वो खैर के पेड़ से बनता है, सही है, बीड़िया को लपेटने के लिए तेंदुपत्ते का प्रयोग करते हैं, और कुर्सी बनाने के लिए बेंत का जो पौधा होता है उसका यूज करते हैं, तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम है जो वो 1948 में लागू हुआ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और जो उत्तर प्रदेश में वन की परियोजना है वो 1950 से चल रही है, तो ऐसा नहीं है ये अभी 1998 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो ये दूसरा गलत आंसर ए। उत्तर प्रदेश में वन जीव प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किन स्थानों पर है, लखनऊ में, इटावा में, बरेली में या सोनभद्र में, तो देखिए वो लखनऊ और इटावा दोनों जगहों पर है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य और देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र ये चंबल नदी क्षेत्र में है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर इसका हो जाएगा बोथ। अगला देखिए, ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और ये इनकी जगह है, मैच करना है आपको, कतरनिया घाट है जो ये बहराइच में, रानीपुर चित्रकूट में, आपका महावीर स्वामी ललितपुर में, सुहागी बरवा ये आपका महाराजगंज में, ठीक है, सारे ही सही है, आंसर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए एटा के जो पटना पक्षी विहार है उसको रिजर्व घोषित कर दिया गया है, सही है, और जो एटा का पटना पक्षी विहार है उसका, ये सबसे छोटा है ना पूरे उत्तर प्रदेश का पक्षी विहारों में, तो कितना है इसका एरिया, 1.11 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, सत्य वाला पूछा था, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, देखिए लाख बहोशी पक्षी विहार है जो ये कन्नौज में है, सांडी पक्षी विहार है जो ये हरदोई में है, और जो आपका बखीरा है ये उन्नाव में नहीं है, बखीरा आपका कहाँ है, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 1 एंड 2 ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए उत्तर प्रदेश में 90 हैं राष्ट्रीय मार्ग, सही स्टेटमेंट है, और दूसरा देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना है जो वो 2004 में हुई थी, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। केवल महिलाओं को सुरक्षा यात्रा हेतु किस बस सर्विस की शुरुआत की गई, येलो बस सर्विस, पिंक बस सर्विस, ब्लैक या फिर रेड, तो ये आंसर है इसका पिंक, है ना, महिलाओं से जुड़ा हुआ रंग है ये पिंक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई, ये सही स्टेटमेंट है, दूसरा देखिए इस रेलगाड़ी को प्रयागराज से बनारस तक चलाया गया था, तो ये गलत हो गया क्योंकि प्रयागराज से कानपुर तक चलाया गया था, ठीक है, आंसर इसका ओनली वन होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में रेल डीजल इंजन का कारखाना कहां पर है, मडुआ डीव में, प्रयागराज में, झांसी में, या दोनों में है या सभी में है, तो देखिए आंसर है इसका ये सिर्फ मडुआडी में है उत्तर प्रदेश में, तो ए आंसर ओनली वन ए आंसर। अगला देखिए मैच करिए, अमौसी ये कुछ एयरपोर्ट्स हैं,
और ये जगह है उनकी, ठीक है। अमौसी आपका लखनऊ में है, खेरिया आपका आगरा में है, रामलला आपका अयोध्या में है, और सैफई आपका इलाहाबाद में है, ठीक है। तो आंसर ए। अगला देखिए, प्रयागराज से हल्दिया, ठीक है, ये है जो ये गंगा जल मार्ग है जो वो 1990 में घोषित किया गया था, तो ये गलत है क्योंकि वो 1987 में घोषित किया गया था। और हल्दिया से जो प्रयागराज है ये कौन सा वाला नेशनल वाटरवे है, ये है आपका पहला नेशनल वाटरवेज नंबर वन, और यहाँ लिखा है नंबर टू, तो ये भी हो गया गलत, दोनों ही गलत है, आंसर डी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, सही है। दूसरा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो वो लखीमपुर में है, सही है, जो कि 1980 में घोषित किया गया था, तो ये हो गया गलत क्योंकि ये किया गया था 1977 में घोषित, है ना, पहला है तो डेट इसकी याद रखनी है, सत्य वाला पूछा था, आंसर इज वन। अगला देखिए, ये करंट के कुछ क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पीएफसी है जो वो आपकी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का एक महारत्न कंपनी है, तो महारत्न नहीं है वो नवरत्न है, नवरत्न, ये गलत हो गया। दूसरा, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है, नई दिल्ली में, सही है। और इसके जो सीईओ और या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं श्री रविंद्र सिंह ढिल्लो, तो ये भी सही है, तो दूसरा तीसरा सही आंसर ए। देखिए, पांचवा स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्य की सूची में टॉप किसने किया है, झारखंड ने, हरियाणा ने, उत्तराखंड ने या असम ने। देखिए, ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं, टॉप किया है झारखंड ने, ठीक है। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया, मध्य प्रदेश की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना, जालौन जिले की डकोर वाली, या ललितपुर जिले की सौर ऊर्जा इकाई, या सौर ऊर्जा जालौन परियोजना। तो देखिए, इसका आंसर है मध्य प्रदेश की रीवा, ये आपकी एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना बन गई है। अगला देखिए, ये जो यू राइज पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी छात्र हैं, ठीक है, उनके लिए एक समान गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करना, और जो ये पोर्टल है उसका उपयोग करते हुए जो इनका लर्निंग कर्व है उसको सुधार करना, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के साथ साथ ये जो यू राइज पोर्टल है इसको स्टार्ट करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका क्या है, सी। देखिए, भारत और एडीबी ने $500 मिलियन का ऋण है जो वो उस पर हस्ताक्षर किए हैं, किस लिए किए हैं, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए, दिल्ली गाजियाबाद RRTS कॉरिडोर के लिए, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं, तो वो किए गए हैं दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, इसमें टेक होम राशन योजना है जो, इसके लिए किसके साथ हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन साइन किया गया, MOU किसके साथ साइन किया गया, ठीक है, तो UN की एजेंसी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके साथ किया गया है, आंसर ए, ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। भारतीय रेलवे ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकरण के लिए एक MOU साइन किया, वो किसके साथ किया, कानपुर IIT के साथ, दिल्ली, खड़गपुर या चेन्नई के साथ, तो वो किया है IIT कानपुर के साथ, आंसर ए। अगला देखिए, EODB रैंकिंग, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के आधार पर राज्यों की व्यवस्था करनी है, तो टॉप किया है इसमें आंध्र प्रदेश ने, फिर है आपका उत्तर प्रदेश, फिर है आपका तेलंगाना, और फिर है मध्य प्रदेश, ठीक है, सब लाइन सही है, आंसर ए। हाल ही में NSSO की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार देखिए, साक्षरता दर में कौन सा देश है जो उसने टॉप किया है और सबसे खराब प्रदर्शन किया है, तो दो पेयर्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको चुनना है, केरल आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश केरल, कर्नाटक तेलंगाना, या तेलंगाना कर्नाटक, तो इसका आंसर है केरल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला देखिए, DPIIT के जो स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम 2019 के दूसरे संस्करण में किस UT ने टॉप किया है, ठीक है, तो देखिए, अंडमान निकोबार ने, लक्षद्वीप ने, दादर नगर हवेली ने, या दमन और दीव ने, तो इस रिपोर्ट में टॉप किया है अंडमान एंड निकोबार ने, ठीक है।
दीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए चेक करके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बटन दबा लीजिए, और जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।